अब देखिए गोवा में कई दशकों से हमारी सरकार चल रही है, लगातार सरकार चल रही है, और वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के मदद से ही चल रही है, उनके सहयोग से ही चल रही है। आज नॉर्थ ईस्ट में देखिए, नॉर्थ ईस्ट में हमारी जितनी सरकारें हैं वो ज़्यादातर हमारे मुख्यमंत्री या तो ईसाई हैं, हमारे मंत्रिमंडल के अंदर ईसाई सदस्य हैं, या तो ईसाई समाज ही तो वहाँ है वोटर सबसे ज़्यादा, उनके वोट से ही हमारी सरकारें बन रही है। और इसलिए क्रिश्चियन समाज का हमारे से सहयोग नहीं है, ऐसा आरोप मैं क्रिश्चियन समाज पर नहीं लगा सकता हूँ। हमारे प्रयत्न और ज़्यादा करने चाहिए हमको, हम कर रहे हैं। अब केरला में बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हमारी लीडरशिप में क्रिश्चियन शादी है, क्रिश्चियन लीडर्स बिशप्स शायद साल में 5-6 बार मेरे से मिलना जलना होता है। मेरे यहाँ क्रिसमस भी मैं बड़ा अच्छा फेस्टिवल करता हूँ। LDF UDF के झूठ से क्रिश्चियन कम्युनिटी तंग आ गई है, और मेरे पास आकर के वो उन्हीं की शिकायत करते, बोले हमारे चर्चों के बीच में इतनी लड़ाई करवा दी है, हमारी चर्च की प्रॉपर्टी को इतना संकट में डाला हुआ है, आप हमारी मदद कीजिए। वो भारत सरकार से मदद चाहते हैं, ये मुसीबत में, और मैं इतनी मुसीबत में वहाँ चर्च जी रहा है, उनकी मुसीबतें मैं देख रहा हूँ, हम उसकी चिंता कर रहे हैं। अब जैसे फिशरमैन है, मैंने अलग अलग फिशरीज डिपार्टमेंट बनाया है ताकि हमारे कोस्टल एरिया के लोगों की मदद हो सके, अभी उसका स्वागत करते हैं लोग। और ये मेरी कोशिश है कि इस प्रकार के प्रयत्नों से उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी बने, उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फायदा मिले, और ब्लू इकोनॉमी का जो मेरा क्षेत्र है उसमें भी उस समाज के काफ़ी लोगों को फायदा होने की संभावना है। अच्छा, क्रिश्चियन समुदाय का स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों से गहरा जुड़ाव रहा है। अच्छा, मैं वेटिकन गया तो होली पोप को मिलने गया था, बड़ी लंबी चर्चा हुई थी, और उनको मेरी सरकार के कामों की काफ़ी जानकारियाँ थी, काफ़ी विषयों पर का, और बहुत से मुद्दों में हम बोर्ड पर थे।